हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रुचि। वेलकम टू उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन। आप सभी का वेलकम है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, वेरी अमेजिंग टॉपिक हमारा चल रहा था प्लांट किंगडम, तो आज हम डिस्कस करेंगे उसके पार्ट टू के बारे में। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था क्रिप्टो गेम्स के पार्ट थैलोफाइटा को, और उसमें हमने एल्गी को डिस्कस किया था। तो आज हम उससे आगे के पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लेट्स सी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स, क्योंकि क्रिप्टो गेम्स के हमारे तीन पार्ट्स हैं फ्रेंड, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा हम पार्ट वन में डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है, क्योंकि ये एक्वेटिक और लैंड दोनों ही एरिया में सर्वाइव करते हैं, तो इसलिए इन्हें प्लांट किंगडम का क्या कहा जाता है, एम्फीबियन कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किन्हें कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ये यूजुअली डैम्प एरिया, ह्यूमिड एरिया और शेडेड एरिया में ग्रो करते हैं। उसके बाद स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स कहा जाता है ब्रायोफाइटोलॉजी। तो ब्रायोफाइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ब्रायोफाइट्स की। इसमें वेस्कुलर टिश्यूज अब्सेंट होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि जो प्लांट की बॉडी होती है फ्रेंड्स, वो डिवाइड नहीं होती है रूट में, स्टेम में और लीव्स में, तो इसलिए इसमें वेस्कुलर टिश्यूज अब्सेंट होते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल हैं, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे आपको मॉस और लास्ट में वर्ट दिखाई दे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइट हो जाएगा। तो लीवर वर्ट हमारे सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट होते हैं। ये पूछा जाता है कि सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लीवर वर्ट को। अब लीवर वर्ट में आते हैं हमारे डिक्सिया, मार्किनशिया और इसके बाद हो गया हॉर्न वर्ट। सो आप इसको इमेज से भी समझ सकते हैं, ये है हमारे लीवर वर्ट, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है, ये है हॉर्न वर्ट और मॉसिस, इसके बाद ये है रिक्शिया। तो रिक्शिया हमें इस तरीके का दिखाई देता है, ये है मार्केंशिया। ओके फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट एंड टॉलेस्ट ब्रायोफाइट। अब जो हमारा सबसे छोटा ब्रायोफाइट होता है उसका नाम पूछा जाता है, वो होता है हमारा जूपसिस। ये रहा जूपसिस, तो ये जो जूपसिस होता है ये अप्रोक्सीमेटली 0.5 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होता है। और टॉलेस्ट वन, तो टॉलेस्ट वन होता है हमारा डॉसोनिया। इसकी अगर मैं साइज की बात करूं तो ये 50 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होता है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टेरिडोफाइटा। अब ये है हमारा लास्ट पार्ट नॉन फ्लावरिंग प्लांट का। ओके, इन्हें कहा जाता है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम का रेप्टाइल किन्हें कहा जाता है, टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है। अब ये थोड़ा सा हायर लेवल में आ जाते हैं हमारे, क्योंकि जहाँ पे हमारे, अगर मैं बात करूँ थैलोफाइटा और ब्रायोफाइट की, तो वहाँ पे जो है बॉडी, प्लांट की जो बॉडी थी वो हमारी डिफरेंशिएट नहीं थी, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट होती है रूट में, स्टेम में और लीव्स में। इसके बाद इसमें अगर मैं बात करूं तो इसे यूज़ किया जाता है ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह, यानी कि एक सजावटी पौधे की तरह हम इसे घरों में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल हैं फर्न्स, हॉट स्टेल्स, तो ये हैं हमारे फर्न। इसको हम अपने जो है घरों में भी लगाते हैं शो के लिए, तो यानी कि एक सजावटी पौधे के रूप में ये यूज़ किए जाते हैं। और ये है फ्रेंड्स हॉट स्टेल्स, तो ये हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट भी हम इन्हें कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, ऑर्नामेंटल प्लांट किसे कहा जाता है, तो टेरिडोफाइटा को ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी कहा जाता है। अब आते हैं आपके फ्लावर बियरिंग प्लांट और सीड बियरिंग प्लांट। तो ये होते हैं हमारे प्लैनिरोगैम्स। तो प्लैनिरोगैम्स का ये पार्ट है हमारा जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मीन्स होता है आपका नेट और स्पर्म मीन्स होता है सीड। तो यानी कि जिनमें जो सीड होता है उसमें कोटिंग नहीं होती है या कवरिंग नहीं होती है, उन्हें कहा जाता है जिम्नोस्पर्म या फिर अनावृत बीजी। ठीक है, तो ये फ्लावरलेस होते हैं, इनमें फ्लावर्स नहीं आता है, फ्रूटलेस होते हैं। जो प्लांट ग्रुप होते हैं वो हमारे नेक्ड सीड होते हैं, यानी कि खुले हुए इनमें बीज होते हैं, कोई कोटिंग नहीं होती है। हम इन्हें यूजुअली क्या कहते हैं, एवरग्रीन, यानी कि हमेशा ये जो है ग्रो करते हैं। और ये कैसे होते हैं, वुडी होते हैं। अब बहुत सारे जो जिम्नोस्पर्म हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फॉसिल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि फॉसिल्स किसे कहा जाता है, तो प्लांट किंगडम का फॉसिल कहा जाता है जिम्नोस्पर्म्स को,
क्योंकि ये हमारे जुरासिक एरा से पहले आ गए थे और फिर इनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, इनमें फ्लावर्स नहीं आए, तो इसलिए इन्हें सीड बियरिंग प्लांट जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। अब इनके बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट्स हैं, यानी कि आर्थिक रूप से भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इनके दो ग्रुप हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म के हमारे दो ग्रुप हैं। पहला हो गया हमारा कोनीफर्स, कोनीफर्स में आते हैं हमारे पाइन और सागो पाम। तो पाइन के ट्रीज तो फ्रेंड्स आपने देखे होंगे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो हिली रीजन्स में ये आपको इजीली देखने को मिल जाते हैं। अगर कोई नैनीताल रानीखेत इस एरिया में रहा हो या गया हो तो वहाँ पे पाइन के ट्रीज इजीली अवेलेबल होते हैं। ओके, तो इन्हें हम कोनीफर्स में रखते हैं। ये है हमारा सागो पाम, तो कोन शेप का होता है इसलिए इसे कोनीफर कहा जाता है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज साइकेडल्स। साइकेडल्स में हमारे टिम्बर आते हैं, गम्स, रीजन, सीडरवुड ऑयल, तो इसलिए ये हमारे इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनसे हमें बहुत सारी लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। तो इनसे हम क्या करते हैं, बहुत सारा फर्नीचर और सोपीस का जो भी आइटम होता है वो सब हम इनसे प्रिपेयर करते हैं और ये हमेशा कैसे रहते हैं, एवरग्रीन होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज ये ब्रांच्ड होते हैं, इनकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं और जीरो फाइट मीन्स जहाँ पे कम पानी होता है वहाँ पे भी इजीली ग्रो कर जाते हैं, जैसे हमारे हिली रीजन्स में या फिर हमारा जो रेगिस्तान वाला एरिया है वहाँ पे भी, यानी कि कम पानी में भी ये ग्रो करते हैं, तो इसलिए इन्हें जीरो फाइट्स भी कहते हैं। तो पूछा जाता है कि किस किंगडम के जो है हम प्लांट्स को जीरो फाइट्स कहते हैं। ओके, तो फिर इसके बाद आता है हमारा स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। तो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कहा जाता है जामिया को। जामिया कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये है जामिया। इसके बाद बनता है आपका पॉइंट लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म। तो लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है रेडवुड ट्री और शिकोया। तो रेडवुड ट्री के बारे में आप सभी को नहीं पता है, तो ये 400 फीट तक की लेंथ का लंबा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टॉलेस्ट होता है, इसीलिए इसे लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। बहुत ज़्यादा पानी ये एब्जॉर्ब करता है, तो ये है हमारा लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म रेडवुड ट्री। ओके, तो ये काफ़ी सारे हाइट के होते हैं, यानी कि ये होता है लगभग 400 फीट हाइट के। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। अब यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं क्योंकि जो प्लांट की बॉडी होती है वो डिफरेंशिएट होती है रूट्स में, लीव्स में, स्टेम में, तो यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। सो दैट्स इट। आपको ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स। आप हमसे हमारी फेसबुक आईडी में भी जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है प्रज्ञा कोचिंग सेंटर के नाम से। सो स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।